बलिउड को प्रसिद्ध नायक गोविन्दा अहिले दार्जिलिंग पहाड़मा छन्। उनी 4 दिनको पारिवारिक भ्रमणमा छुट्टी बिताउन दार्जिलिंगमा रहेको आफ्नै घरमा आएका छन्। गोविन्दा आफ्नी पत्नीको साथमा सोमबार आएका थिए भने उनी भोलि फर्कने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दार्जिलिंगको आफ्नै घरमा उनी स्थानीय नानीहरूसित समय बिताइरहेका छन्। यस अवधि पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तरमा बलिउड सुपरस्टार गोविन्दले आफ्नो पत्नीको साथमा 4 दिनको लागि दार्जिलिङ आएको र भोलि फर्कने योजना रहेको बताएका छन्। उनले आफूलाई दार्जिलिङ आएर धेरै खुसी लाग्ने बताउँदै यहाँ आएर धेरै माया पाउने अनि दार्जिलिङ धेरै सुन्दर लाग्ने पनि बताएका छन्। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा गोविन्दले अहिले कुनै फिल्म नगरेको तर भविष्यमा कुनै राम्रो विषयको फिल्मको लागि अफर आएर काम गर्ने बताएका छन्। उनले आफू राजनीतिदेखि 19-20 वर्षदेखि निस्किएर आएको बताएका छन्। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर और बहुत प्रेम मिला करता है, जैसे आप देख रहे हैं। मैं 4 दिन के लिए यहाँ पर आया था अभी, और अभी कल फिर निकलूँगा। थोड़ा सा तबीयत अभी तबीयत डाउन हो गई है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों, हम लोग दोनों आए थे साथ। तो कैसा लग रहा है आप? बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये तो आपका ही घर है? हाँ, मेरा अपना घर। और बताए कुछ, और आने वाला कोई फिल्म में बताओ क्या है? अभी किया नहीं है, आप लोग दुआएं रखिए साथ में। मेरे बहुत वर्षों के पिक्चरें नहीं की है। अच्छा सब्जेक्ट लगेगा तो डेफिनेटली करूँगा, पक्का करूँगा। ये राजनीति से आपकी तो बहुत, कितना 19-20 साल हो गया बाहर आ गए। तो क्या दोबारा राजनीति में जाना चाहते हैं? अभी तो प्राय सभी लोग, हाँ सब आर्टिस्ट गए हुए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं गए हुए हैं। मैं काफ़ी साल हो गए निकल आया, 19-20 साल हो गए।